कोरोना वैक्सीन देने के पहले उसकी स्वास्थ्य की जांच के लिए शनिवार को जिले के 3 केंद्रों पर वैक्सीन देने का किया जाएगा ड्राई रन। प्रेस परिषद में मनपा आयुक्त राधा कृष्ण भी ने दी जानकारी। प्रतापनगर थाना अंतर्गत छत्रपति चौक पर लापरवाही से ट्रक चला रहे चालक ने सामने से आ रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। न्यूयॉर्क नाइट कर्फ्यू के दौरान शहर पुलिस की अपराध शाखा ने लकड़गंज थाना अंतर्गत हत्या की तैयारी में घूम रहे दो युवकों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की सतर्कता से टली हत्या। कार्यालय में देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों को न्यू ईयर का लगेगा झटका। एक माह में केवल 2 बार 1.5 घंटा देरी से आने की दी जाएगी सहूलियत। तीसरी बार देरी से आने पर लेट मार्क अधिकारी और कर्मचारी की लगाई जाएगी अब्सेंटी। मनपा के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने गोकुलपेट मार्केट रोड पर जमे अतिक्रमणकारियों पर की कार्रवाई। दस्ते ने पुलिस बंदोबस्त के साथ उक्त कार्रवाई की, जिससे मच गया हड़कंप। तांबा, पीतल और एल्युमिनियम के बढ़ते भाव ने बर्तनों को कर दिया है महंगा। आने वाले संक्रांत जैसे त्योहार पर गृहिणियों को वाहन के लिए बर्तन खरीदना पड़ सकता है महंगा। दिवाली में बड़े भाव में और 50 रुपए की वृद्धि भी देखी जा रही। पेन से गुरेवाड़ा के बीच शहर को जलापूर्ति करने वाली मेन पाइपलाइन जो 27 किलोमीटर लंबी है के कई जगहों पर आए लीकेज को दुरुस्त करने का कार्य 6 जनवरी से किया जाएगा शुरू। यह कार्य करीब 1 महीने तक चलेगा। इससे सिटी के करीब 70% बस्तियों में नलों में पानी एक दिन की आड़ में आएगा और वह भी सीमित मात्रा में। मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा 14 अक्टूबर को पहली किसान रेल रवाना की गई थी, जिसमें संतरों का परिवहन किया गया। इसके बाद दिल्ली और शालीमार के लिए 23 किसान रेल की गई रवाना। ताजबाग परिसर स्थित हजरत पटेल बाबा, हजरत मास्टर बाबा, शहजादी अम्मा और बिस्मिल्ला अम्मा की दरगाह को यथावत रखकर फेस्टिवल के साथ सौंदर्यकरण करने की मांग दरबार कमेटी ने की। उमरेड पौनी करांडला वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत थाना तालाब शिविर में नवेगांव साधु ग्राम के समीप कंपार्टमेंट नंबर 1415 के जंगल क्षेत्र में C3 नामक बाघिन तथा उसके 2 8 से 10 माह के नन्हे शावक मृत अवस्था में पाए जाने से वन्य जीव क्षेत्र में मच गई खलबली।